चैप्टर 3 डेटा रिप्रेजेंटेशन इन कंप्यूटर्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और जो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जाएंगे उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें हम देखेंगे बाइनरी क्या होता है, ऑक्टल क्या, डेसिमल होता है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं, इसके अलावा इन सब के बीच में कन्वर्जन देखेंगे हम, आपस में कन्वर्जन कैसे होते हैं। फिर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम इंटरनल स्टोरेज करते हैं और इनकोड करते हैं कैरेक्टर्स को, ASCII है, ISCII है और यूनिकोड है, इसके साथ EVC DIC भी था, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। तो बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा क्या होता है, बाइनरी बाई मतलब होता है दो, और यदि आप कंप्यूटर की बात करें तो डेटा कैसे रिप्रेजेंट होना चाहिए, इसमें बाइनरी में। ये जो डिजिट आप देख रहे हैं, डिजिटल कंप्यूटर की बात करें, डिजिटल मतलब देखिए डिजिटल डिजिट से ही बना है, तो ऐसे सिंबल जिनको हम डिजिट कहेंगे जो डिजिटल कंप्यूटर समझेगा। आपको ये चीजें बिल्कुल क्लियर होगी। अभी सबसे पहले देखते हैं नंबरिंग सिस्टम्स। नंबरिंग सिस्टम्स क्या होता है, हर एक नंबर सिस्टम, जो भी नंबर सिस्टम है उसका एक बेस होता है जिसे हम कहेंगे रेडिक्स। जो भी नंबर सिस्टम की बात करेंगे, ये जो भी नंबर सिस्टम यहां देखेंगे उसका एक बेस होगा जिसे हम रेडिक्स कहेंगे, ये बेस है इसका। यानी कि जो आपका डेसिमल नंबर सिस्टम है जिसे आप अच्छी तरह पहचानते हैं 0 से लेकर 9 तक, ये जो नंबर्स होते हैं जिसमें, उसे हम कहेंगे डेसिमल। जो आप यहां देख पा रहे हैं डेसिमल मतलब उसका बेस होगा 10। कितने नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, गिने जरा उंगली पे, आपको 10 गिनती आएगी, इसीलिए इसको बेस 10 कहते हैं। बाइनरी जो है वो उसका बेस होता है 2। कितने होते हैं बाइनरी में, 0 या 1, कितने कुल मिला कितने नंबर हुए, 1 या 2, 1 और 2, इन दोनों को जोड़िए, 1 ही है, 1 ही है, तो 2, 0 या 1, सिंबल इसमें होंगे 0 से 1, 0 होगा या 1 होगा। यानी बाइनरी में आप 0 या 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डेसिमल में आप 0 से लेकर 9 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऑक्टल जो नंबर होता है, ऑक्ट मतलब होता है 8। ये ऐसा सिस्टम है जिसे बेस 8 है आपका, ऑक्टल 8 है। अगर आपसे कोई कहे कि ऐसा नंबर है जिसमें आपको 8 भी दिखाई दे रहा है, तो आप ऑक्टल नहीं कहेंगे, क्योंकि ऑक्टल में केवल 0 से 7 तक जाएगा, 0 से 7 तक अगर उंगलियों पर गिनेंगे तो कुल मिला के 8 नंबर बन जाते हैं, तो 8 इसका बेस हो गया। इसी तरीके से हेक्साडेसिमल में आई, हेक्साडेसिमल का मतलब ही होता है 16। तो ये कहां से चलेगा, 0 से लेकर F तक। अब आप सवाल उठाएंगे कि ये 0 से लेकर 9 तक तो समझ में आ रहा है, ABCD कहां से आ गया, हमारे पास 0 से 9 तक ही तो डेसिमल है, इसके आगे तो है नहीं, या तो इसको 11 लिखें। अब 11 कहां से बन रहा है, 1 और 1 को 2 बार लिख के बन रहा है, B क्या बन रहा है, B आपका 12 है, तो 1 और 2 को लेके बनेगा, तो ये दोनों को लेके बनेगा, जबकि हम इसको एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 10 को हम रिप्रेजेंट कर देंगे ए से, इस तरीके से B 11, C 12, D 13, E 14 और F 15। तो कुल मिला के कितने हो गए हमारे, हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कहीं भी हम D लिखेंगे तो अपने आप हम उसका जो इक्विवेलेंट लेंगे, मतलब डिजिटल इक्विवेलेंट लेंगे D का, वो हम 13 ले लेंगे। ओके, तो ये जो अलग अलग बेसेस है ये क्या है, आप जरा काउंट करिए जितने मैक्सिमम नंबर है इस नंबरिंग सिस्टम में। आप बेस 10 में देखिए आपको कितने मिलेंगे, कुल मिला के 10, यहां कितने मिला के गिन लीजिए, एक करके, ये 8, ये कितने हैं 2, ये कितने हैं पूरे 15, बस ये 2, 8, 10, 15, यही इसका बेस हो गया, ये नंबरिंग सिस्टम्स है। अब अगर आपको कन्वर्ट करना हो एक नंबर को एक बेस से दूसरे में, आपको कन्वर्जन करना है, मान लीजिए आपको बाइनरी को डेसिमल में चेंज करना है, बाइनरी नंबर को डेसिमल में चेंज करना है, तो आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, राइट मोस्ट बिट से चलेंगे, जैसे आपके अलग अलग बिट्स हैं, तो सबसे दाएं तरफ जो होगा वहां से शुरू करेंगे, इस बिट को आप 2n से शुरू करेंगे, यानी n कहां से शुरू होगा, 0 से, यानी ये सबसे राइट वाला जो होगा वो 2 to the power 0 से मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद जो आ रहा है, मान लीजिए ये आ रहा है तो वो 2 की पावर 1 से होगा, ये जो आ रहा है वो 2 की पावर 2 से होगा, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। ओके, ये जो 2 की पावर 0 है इसका मतलब 1, 2 मतलब 2, 2 की पावर 4 मतलब 4, तो ये 1, 2, 4, 8 पे जा रहा है, यानी कि ये बाइनरी
नंबर्स है, ये पावर ऑफ टू है, और जब आप इसको जोड़ देंगे मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये मान लीजिए मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, ये वन है, ये जीरो है, ये वन है, तो ये वन को आप टू की पावर जीरो से करेंगे, यानी कि वन को आप वन से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर यहां जीरो है, जीरो को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू की पावर वन यानी कि टू से, ये है वन, तो वन को मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर टू से यानी कि फोर से, कितना बन गया, फोर प्लस जीरो प्लस वन यानी कि फाइव, तो 101 अगर आपको बाइनरी में दिया है इसका डेसिमल इक्विवेलेंट होगा 5, राइट। इसका एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए आपका ये 101011 है, ये बाइनरी नंबर है, इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, ये पहले वाला जो है इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को 2 की पावर 0 से, सब दाएं से चलेंगे, ये वाला जो है इसको आप लेंगे और 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये देखिए 2 की पावर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से जीरो को आप टू की पावर टू से करेंगे, इस तरीके से वन को करेंगे टू की पावर थ्री से, इसी तरीके से इस जीरो को करेंगे टू की पावर फोर से, इस वन को करेंगे टू की पावर फाइव से। अब टू की पावर जीरो होता है वन, वन इंटू वन वन, टू की पावर ये वन होता है टू, और ये टू इंटू वन इज टू, टू की पावर टू फोर होता है, क्योंकि जीरो जहां भी होंगे इनको तो हटा ही दीजिए आप, है ना, ये सारे जीरो यहां अपने आप लिख दीजिए, क्योंकि जीरो मल्टीप्लाई एनीथिंग इज जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये क्या है टू की पावर थ्री मतलब एट, ये क्या मतलब है टू की पावर फाइव मतलब 32, कुल मिला के जोड़िए कितना आया 43। अब 43 जो है वो बेस 10 है, ये किसके बराबर है 101011 बाइनरी, बेस 2 है इसका, इसका बेस 10। अगर 43 को बाइनरी में कन्वर्ट करना था ऐसे हो जाएगा, बाइनरी को आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो ऐसे हो जाएगा, राइट। इसी तरीके से आपको अगर ये 1001 अगर डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज करना है तो कैसे करेंगे आप, इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 को लीजिए 2 की पावर 0 से करिए, 0 को लीजिए 2 की पावर 1 से करिए, 0 को लीजिए 2 की पावर 2 से करिए, 1 को लीजिए 2 की पावर 3 से करिए। अब ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 0 इज 1, ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 0, ये 0 और ये 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 प्लस 9 कितना होता है 9, 9 ये बेस 10 हो जाएगा। अब यहां तो आपको एक नंबर मिला प्रॉपर, अगर बाइनरी फ्रैक्शन है उसको डेसिमल में चेंज करना है तो क्या करें, बाइनरी फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि आपके पास ये तो है साथ में 0.101 मतलब जैसे 2.3 हम देखते हैं ना इस तरीके का नंबर हमें चाहिए, और 2.3 आपका बाइनरी में लिखा हुआ है, इसको बाइनरी से 2.3 में लाना है, कैसे करेंगे, तो क्या करिए, देखिए ध्यान से देखिएगा कि हम यहाँ पर डॉट जो है उसको डॉट को यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो तो वैसे ही करेंगे जैसे हम करते हैं, जैसे 1 लेंगे ये 1 और उसको 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, 1 को 2 की पावर 1 से, राइट। इसी तरीके से हम जीरो को लेंगे, ये डॉट जो है वो यहां आएगा, ये डॉट यहां नहीं है, यहां आएगा, ये डॉट यहां है ना, तो वन को लेंगे टू की पावर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको टू की पावर जीरो से, इसको टू की पावर वन से, इसको टू की पावर टू से, इसको टू की पावर थ्री से, टू की पावर फोर से, ठीक। ये आप बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने ये सीखा, बिल्कुल सेम है ना, ऐसे कन्वर्जन होंगे। अब राइट हैंड साइड में आते हैं, डॉट के डेसिमल के इधर आते हैं दाएं हाथ, तो जो डॉट के इधर वाला होगा जो पहला नंबर है वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप टू की पावर वन से यानी वन बाय टू से, ये जो जीरो है यहां पर ये जीरो, ये वाला जीरो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टू की पावर माइनस टू यानी कि वन बाय फोर से, और ये जो लास्ट वाला वन है इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे टू की पावर थ्री से यानी वन बाय एट से। तो क्या किया हमने, ये तो वैसे वैसे चला कि 2 की पावर 0 इंटू 1, 2 की पावर 1 इंटू 1, 2 की पावर 2 इंटू 0, 2 की पावर 3 इंटू 1, 2 की पावर 4 इंटू 1, ये तो सारे हो गए। दाएं हाथ पे क्या होगा, ये 2 की पावर माइनस 1 इंटू 1 यानी 1 इंटू 1 बाय 2, यह 0 इंटू 1 बाय 4, ये है 1 इंटू 2 की पावर 3 यानी कि 8, तो ये हाफ हो गया यानी 0.5, ये कितना हो गया 0 हो गया, ये 1, ये कितना हो गया 0.125, देखिए 0.50 0.125, बाकी तो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो आप सीख ही गए, इन सबको जोड़ दीजिए कितना आएगा 27.625 बेस 10। ये तरीका होता है आपके फ्रैक्शन में अगर बाइनरी दिया है उसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का। अब आपको करना है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करेंगे, डेसिमल टू बाइनरी अगर आपको कन्वर्ट करना है तो डेसिमल नंबर को उसके सबसे पहले लीजिए डेसिमल नंबर, यानी कि आपको 23 को जो बेस 10 है उसको आपको 110, मुझे पता नहीं अभी क्या है मैंने ऐसे लिख दिया है, इसको 2 बेस में करना है, आपको बेस 2 में करना है, कैसे करेंगे आप, तो बाइनरी को डेसिमल को बाइनरी में करने में
सबसे पहले आप इस नंबर को उठाइए, जैसे 23, इसको डिवाइड करिए 2 से, तो कितना आया, 2 वन जा 2 और 2 वन जा 2, राइट। अब कितना बचा इसमें, 1, यानी कि जो रिमाइंडर आएगा उसको, जो रिमाइंडर आएगा उसको यहां रिकॉर्ड करिए, रिमाइंडर कितना आ गया 1। फिर आप फिर से 2 से डिवाइड करिए, हर बार 2 से डिवाइड करना, 2 5 जा 10, कितना रिमाइंडर बचा, 1। फिर आइए 2 2 जा 4, कितना रिमाइंडर बचा, 1। 2 1 जा 2, कितना रिमाइंडर बचा, 0। यहां तक आ गए आप। अब यहां तक जब तक आप लास्ट पे नहीं आ गए तब तक चलेंगे। अब इधर से रिवर्स से शुरू करिए, इधर से ऐसे, और ये रिवर्स से जो नंबर आएगा आपका वो आपका 23 होगा। यानी कि आप रिवर्स से शुरू करेंगे और रिवर्स से लिखेंगे तब आपका नंबर आएगा। अब कैसे रिवर्स से लिखेंगे, कैसे हो रहा है, इसको एक बार और देखते हैं। आपका 125 है, 125 मैं इस तरीके से जैसे अभी सिखाया वैसे ही बता देता हूं। 125 लिया हमने, इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आया, 62, है ना, 1 बच गया। 2 से किया 31, 0 बचा। 2 15 जा 1 बचा। 2 कितना आया, 2 7 जा 14 बचा 1। 2 3 जा 6 बचा 1। 2 1 जा 2 कितना बचा, 1। अब मैं उल्टा जो कह रहा था उसका मतलब यह है कि आप यहां से शुरू करेंगे 1, ये जो ये कैसे लिखा हुआ है, 1 1 1 1 1 0 1, यानी इसका इक्विवेलेंट होगा 125 का 1 1 1 1 1 0 1। तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता होना चाहिए यहां पर, 10111, ये आपका 23 का इक्विवेलेंट है। करके देख लीजिए, ये 1 है, ये कितना है, क्योंकि इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कितना है 2 की पावर 1 से, यानी 2 हो गया। ये कितना है 4, ये तो 0 है, और ये आपका हो गया ये 4 8, ये 16, ये 0 होगा। 16 प्लस 4 20 20 प्लस 2 22 22 प्लस 1 23, ये 23 आ गया। ओके, ये आप समझ गए कैसे आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर को। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 this is equal to 125, और ये कितने किस में है आपका डेसिमल, ऐसे लिखते हैं। अब आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन को बाइनरी में। 0.75 ये आपका है, एक डेसिमल नंबर है, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जैसे जो हमने अभी किया कि हमने जब बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कैसे किया, बाइनरी को डेसिमल में करने में डिवाइड किया, तो उल्टा करना है तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यही करेंगे। तो इस फ्रैक्शन को, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको मल्टीप्लाई करते रहें, कब तक, सबसे पहले हम हमारे पास 0.75 पे 0.75 है, इसको जरा 2 से मल्टीप्लाई करिए, 0.75 इंटू 2 होता है 1.50। ओके, अब जो इंटीजर इक्विवेलेंट आपका आ रहा है इसका, कीप द इंटीजर इन द प्रोडक्ट एज इट इज एंड मल्टीप्लाई न्यू फ्रैक्शन, जो नया फ्रैक्शन आया उसको मल्टीप्लाई करिए 2 से, यानी कि हमने जब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 1.50। हमने क्या किया, 1 तो ले लिया, 0.50 को दोबारा जो फ्रैक्शन है उसको ले लिया, तो 0.5 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 0.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 1.001 आ गया। ठीक, तो आपका इस तरीके से आप करते रहेंगे टिल यू गेट 0 इन द फ्रैक्शन पार्ट, जब तक आपका फ्रैक्शन पार्ट में, इस पार्ट पे आपका 0 नहीं आ जाता। तो उस जो आप इंटीजर ऊपर से नीचे तक देख रहे हैं, देखिए यहां पर क्या आया, 0.1 और 1, यहां पर क्या आया, 0.11, ये आपका बाइनरी सिस्टम में इसका इक्विवेलेंट होगा। यानी कि आपने क्या किया, 0.75 था तो ये 0 है, आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 1.5, है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.5, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 उठा लिए, 1 उठा लीजिए, केवल 0.5 रहने दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा, 0.5 into 2 is 1.00। अब देखिए ये 1 तो आप ले लेंगे लेकिन यहां पर 0.0 आ गया, बस यहीं पर रुक जाएंगे, तो 0.11 मतलब 0 ये तो पहला था ही, 0.11 ये आपका कन्वर्जन होगा डेसिमल फ्रैक्शन का। अब इसके आगे भी नंबर होंगे यहां पर, है ना, तो इस तरीके से आप करते चलेंगे। अगर आगे नंबर होगा फिर कैसे करेंगे,
इसको और समझिए, 105 को तो आप डायरेक्टली वैसे ही करेंगे जो आपका डेसिमल है उसका कन्वर्जन ऐसे करेंगे। कैसे करेंगे 105 का, 105 को लीजिए, मैं आपको करके दिखा देता हूँ उसको, है ना, ये कैसे हुआ है एक बार और सीख लेते हैं। तो 105 को आपको अगर करना है तो 2 5 10, 2 2 4, ठीक, बचा 1, 2 2 4, 2 6 12, बचा 0, रिमाइंडर 0 आया, 2 13 कितना आया आपका, 2 13 26 चला गया 0, 2 6 12, बचा 1, 2 3 6, बचा 0, 2 1 2, अब देखिएगा 2 1 2, बचा 1, तो 1 1 0 1 0 0 1, ऐसे करके लिख देंगे, तो ये 1 1 0 1 0 0 1, ऐसे हमने यहां से लेकर यहां तक, ये तो कन्वर्ट हो गया है, हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब हमको कन्वर्ट करना है 0.15 को 10 से, ये आप करना सीख गए। अब ये वाला कैसे करेंगे, 0.15 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 0.30 आया ना, ठीक। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको करते रहिए इस तरीके से करते रहिए, एक एक करके 0.30 के लिए पार्ट लेंगे, इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, तो 0.60 आ गया। अब 0.60 को लीजिए मल्टीप्लाई करिए 2 से, कितना आया 1.20। अब आप 1 को छोड़ देंगे, केवल 0.20 को लेंगे, 0.30 को फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आया 0.40। 0.40 को लीजिए आप फिर से 2 से मल्टीप्लाई करिए 0.80। अब 0.80 को आप मल्टीप्लाई करिए 2 से, 1.60, राइट। तो ये आपका आगे चलता रहेगा 1.60। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, फाइनल रिजल्ट किस तरीके से लिखेंगे, 0.001001, यही इसका इक्विवेलेंट हो गया। अब दोनों को जोड़ना है, ये वाला इधर लिख दीजिए और ये वाला जो आया वो पॉइंट के बाद लिख दीजिए, ये आपका बनेगा इक्विवेलेंट हो गया, ठीक। ये तब तक चलाते रहेंगे जब तक ये जीरो ना हो जाए, अगर हमको जीरो नहीं मिल रहा है तो यहां पर हम जितने टर्म्स आप भूला जाए आपको उस तरीके से लिख दीजिए। अब आपको करना है डेसिमल से ऑक्टल, डेसिमल से ऑक्टल कन्वर्जन कैसे करेंगे। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आपको किसी भी डेसिमल से जब ऑक्टल जाना हो, डेसिमल से बाइनरी जाना हो, डेसिमल से जाना हो, तो हमेशा हम इसको डिवाइड करते हैं, हमेशा इसको हम डिवाइड करते हैं। और जब हम ऑक्टल या बाइनरी या फिर इनसे वापस डेसिमल में आएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। तो हम क्या करते हैं, डेसिमल टू इक्विवेलेंट में जो भी डेसिमल का नंबर होगा उसको हम डिवाइड करेंगे 8 से, फिर वही काम करेंगे, रिमाइंडर ले लेंगे, उसको साइड में यहां रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन आएगा फिर से उसको डिवाइड करेंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसको 8 से डिवाइड करेंगे। ये तब तक करते रहेंगे जब तक ये फर्दर डिविजन ना हो, और जो ये अपने रिमाइंडर रिकॉर्ड किए थे इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे ताकि बाइनरी इक्विवेलेंट आ जाए इसका, या जो इक्विवेलेंट आपको लाना है। तो डेसिमल टू ऑक्टल करने के लिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास डेसिमल नंबर है 125 है, मैं इसको इस तरीके से करके दिखाता हूँ, ये 125 है, मैं इसको 8 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये 15 में जाएगा, ठीक, ये 120 आ जाएगा, 5 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, ये रिमाइंडर हमने रिकॉर्ड कर लिया। अब हम गए 8 को, 8 से डिवाइड करेंगे, 8 2 16, तो 8 1 8 जाएगा, बचा कितना 7। अब हमारे पास और कुछ रहा नहीं, अब इसको ये 8 से तो जाएगा नहीं, है ना, तो इसको बस उल्टा करके लिख दीजिए 175, ये आपका 175 इसका इक्विवेलेंट हो गया, है ना, 8 इसको बेस लिखेंगे। आप देखिएगा हमेशा जो नंबर ऑक्टल में आ रहा है वो आपको 8 से कम मिलेगा, 0 से लेकर 7 के बीच में मिलेगा। अब डेसिमल फ्रैक्शन को अगर ऑक्टल में करना हो तो क्या करेंगे, डेसिमल फ्रैक्शन को तो अगर आपको कन्वर्ट करना है एक डेसिमल, ये फ्रैक्शन दिख रहा है उसको ऑक्टल में, तो तरीका वही है, आपने जब ऑक्टल से कन्वर्ट किया डेसिमल को तो आपने क्या किया था, डिवाइड किया था। आप क्या करेंगे, जब इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने की बात आएगी तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.75 को लीजिए, इसको सीधा आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 से, कितना आया 6, मतलब 0.65 था, इसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उस 8 से मल्टीप्लाई करते ही आप देख रहेंगे 6.00 आ गया, मतलब 00 आ गया दाएं हाथ पे, तो यहीं पे बंद कर देंगे, यानी कि आप इंटीजर को लेंगे उसको मल्टीप्लाई करेंगे नए जो भी, और हमेशा फ्रैक्शन को करना, जैसे 0.75 है तो 75 करेंगे, अगर यहाँ पर भी फ्रैक्शन आता तो इस 6 को छोड़ के इस फ्रैक्शन को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, राइट।
तो हमने किया क्या, 0.75 लिया, 0.75 को हमने सीधा 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6.00 पे ही बंद करना है, तो 6 हमारे पास और कुछ बचा नहीं, तो हमारे पास क्या नंबर आ गया, 0.75 का 0, ये 0.6 ये पहला नंबर होता है, तो 0.6 ये पहला नंबर होगा, जब पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये पहला नंबर होगा यहाँ पे, तो 0.6 ये आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम में चेंज हो गया। अगर आपको ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है, नंबर को ऑक्टल से डेसिमल में चेंज करना है, यानी कि आपको बेस 8 को आपको कन्वर्ट करना है बेस 10 में, तो क्या करेंगे, बिल्कुल सेम तरीका है। सबसे पहले जो नंबर है उसमें राइट मोस्ट बिट से शुरू करिए और इसको मल्टीप्लाई करिए 8 की पावर 0 से, फिर इसको करिए 8 की पावर 1 से, इसको करिए 8 की पावर 2 से, ही करते चले जाइए जहां तक आपके पास नंबर है और इन सबको जोड़ दीजिए। इसका एग्जांपल देखते हैं, आपको 3, 2, 1 को करना है डेसिमल इक्विवेलेंट, तो 1 यह है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 0 से, 2 को करेंगे 8 की पावर 1 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 की पावर 2 से, तो 8 की पावर 0 1 × 1, 2 है 8 की पावर 1 से और 3 है 8 की पावर 2 से, तो कितना आ गया, ये है आपका 1, ये आपका होगा 8 × 2 = 16 और ये 8 × 64 = 192, जोड़ दीजिए 209 आएगा, तो 3, 2, 1 जो आपका ऑक्टल नंबर था उसका आपका जो डेसिमल इक्विवेलेंट आया वो 209 बेस 10। अगर ऑक्टल फ्रैक्शन को करना है डेसिमल में फिर क्या करेंगे आप, तो 23.25 अगर बेस 8 है तो इसका सीधा तरीका ये है कि 23 को तो उठा लीजिए, इसको तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्या करिए 3 को मल्टीप्लाई करिए, ये इसको अलग लीजिए, इसको अलग लीजिए, 3 को मल्टीप्लाई करिए 8 की पावर 0 से, 2 को मल्टीप्लाई करिए 8 की पावर 1 से, जो पॉइंट के बाद आएगा डॉट के बाद आएगा उसको मल्टीप्लाई करिए 8 की पावर माइनस 1 से, यानी 2 होगा मल्टीप्लाई 8 की पावर माइनस 1 से और 5 होगा 8 की पावर माइनस 2 से, यानी डॉट के इधर जो होगा ऐसे अगर ये नंबर है तो ये 8 की पावर 0 8 की पावर 1 ऐसे चलता चला जाएगा 8 की पावर 2 और ये जो है ये 8 की पावर माइनस 1 8 की पावर माइनस 2 8 की पावर माइनस 3 एंड सो एंड सो फॉर्थ, और मल्टीप्लाई करके जोड़ दीजिए, ये अलग जुड़ेगा ये अलग जुड़ेगा और अलग से लिखे जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8 की पावर 0 इंटू 3 यानी कि आपका ये तो 1 ही है, तो 8 ये 8 की पावर 0 मतलब 1 यानी कि 3 आएगा, ये 8 × 16 ये तो हो जाएगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको जोड़िए 2 डिवाइडेड बाय आपका 1/8 दैट विल बी 0.25, ये 5 × 1/64 मतलब 5/64 ये आएगा आपका, करेंगे तो 0.0782, अब जरा जोड़ दीजिए इनको, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपको सबको जोड़ दीजिएगा एक साथ, आपको ये वाली वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये अलग जोड़ रहा है, ये डेसिमल अलग जोड़ रहा है क्योंकि ये ऑफकोर्स डेसिमल इस पॉइंट के बाद ही तो आता है, तो इसको अलग करके जोड़ सकते हैं, इसको अलग करके जोड़ सकते हैं, साथ भी जोड़ेंगे तो वही रिजल्ट आएगा आपका ऑक्टल फ्रैक्शन टू डेसिमल। अब आपको करना है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल मतलब आपके पास ये है कि आपके पास ऐसे 10 बेस है, इसको आपको करना है 16 बेस में, तो आप क्या करिए जो भी नंबर आएगा आप उसको 16 से डिवाइड करिए, जो भी नंबर होगा यहाँ नंबर जो भी आएगा उसको 16 से डिवाइड करिए, 16 से डिवाइड करिए, जो रिमाइंडर होगा वो यहाँ लिखते चले जाइए, फिर 16 से डिवाइड करिए जब तक आपके पास ऐसा नंबर नहीं आ जाता जिसको डिवाइड नहीं कर सकते। अब जो ये आपके नंबर आए ये इन सबको रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए, ये आपका हेक्साडेसिमल कन्वर्जन हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल बताता हूँ आपको मैं, ये 300 है, 300 है, 300 को हम क्या करेंगे 16 से डिवाइड करते हैं, राइट, तो 16 से डिवाइड करेंगे तो आपका 18 का और 12 आपका रिमाइंडर आ जाएगा, फिर हमको 16 से करना है तो 16 × 1 = 16 कितना बचा रिमाइंडर 2, तो 1, 2 और 12 कैसे लिखना है 1, 2 और 12, अब हेक्साडेसिमल और 12 मतलब क्या होता है, 12 मतलब होता है सी, तो इसको लिखेंगे 1, 2, C, ये होगा 1, 2, C, क्योंकि हेक्साडेसिमल में जो ए होता है वो 10, बी होता है 11 और सी होता है 12, डी होता है 13, बी सी डी ई एफ, ये होता है आपका 14, ये 15 और बाकी तो 0 से लेकर 9 तक होते ही होते हैं, तो कुल मिला के 15 नंबर होते हैं, 16 नंबर होते हैं, 0 से काउंट करेंगे तो 15 तक जाएगा। अब अगर आपको डेसिमल फ्रैक्शन को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, जैसे आपके पास 0.75 है, ये आपका बेस 10 है इसका, तो आप जब आप हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कर रहे थे तो आप कैसे कर रहे थे, अभी उसको आप डिवाइड कर रहे थे किससे 16 से, अब यहां पर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, सो एक तरफ मल्टीप्लाई होता है एक तरफ डिवाइड होता है, तो
हम 0.75 को लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, तो 0.75 लीजिए, जरा 16 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आ रहा है 12, 12 आ रहा है ना, तो आप क्या लिखेंगे इसके लिए, ये 0 और ये 12 क्या होता है, सी, 0 सी, ये आपका कन्वर्जन हो जाएगा, राइट। अगर बड़ा नंबर भी होता, बड़ा नंबर भी होता तो हम, जैसे ये कोई बड़ा नंबर होता या ऐसा नंबर होता जो जो दो बार में नहीं खत्म होता, तीन चार बार में खत्म होता, तो हर बार क्या करना है, 0.75 लेना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है, और जो भी नंबर आएगा उसके बाद अगर ये 0 0 नहीं आता तो हम रुकते नहीं, यहाँ पर मान लीजिए 5 6 आ जाता, 12.56, तो हम 0.56 लेते और फिर इसको 16 से मल्टीप्लाई करते, फिर देखते क्या आ रहा है, अगर 0.00 नहीं आता तो फिर ये फ्रैक्शन लेके फिर से 16 से मल्टीप्लाई करते, और फिर हम कैसे लिखते, 0 12, ये आपका जो भी ये नंबर आता, जैसे अगर मान लीजिए 6 आ जाता तो हम 6 लिखते, 06 सी सी 6, ऐसे करके बढ़ाते रहते, अगर 12 13 कोई नंबर आता तो हम उसको जैसे सी डी ऐसे करके नंबर जो अल्फाबेट दे देते। अब आपको हेक्साडेसिमल से कन्वर्ट करना है डेसिमल में, मतलब आपको 16 से करना है, बेस से आपको करना है बेस 10, तो आप क्या करेंगे, या सबसे राइट मोस्ट पे चलिए, 16 की घात 0 से मल्टीप्लाई करिए, 16 की पावर 0 से, इसको किससे करेंगे, 16 की पावर 1 से, इसको करेंगे 16 की पावर 2 से, 16 की पावर 3, ऐसे करते चले जाएंगे और इनको जोड़ देंगे, राइट। एग्जांपल देखेंगे, जैसे ए और बी है, इसको आपको डेसिमल इक्विलिब्रियम में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, ये सबसे पहला लेंगे दाएं हाथ का, इसको करेंगे 16 की घात 0 से मल्टीप्लाई, यानी बी इंटू 16 की पावर 0 प्लस ए इंटू 16 की पावर 1, अब बी हमारे क्या होता है 11, ए होता है 10, तो 16 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 11 होगा 11, 16 की पावर 1 इंटू 10 160 और 11 कितना होता है 171, ये हो गया आपका कन्वर्ट किस पे, यू हैव कन्वर्टेड द हेक्साडेसिमल नंबर इंटू डेसिमल इक्विवेलेंट, तो ये आपका डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया, यानी आप ये 10 है, घात 10 है। तो हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन को करना हो अगर डेसिमल में, तो क्या करेंगे, हेक्साडेसिमल फ्रैक्शन को डेसिमल में चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, मान लीजिए ये पूरा फ्रैक्शन है, तो इसका तरीका क्या है, डॉट के इधर जो पहला नंबर होगा उसको करेंगे 16 की पावर 0 से, ये 16 की पावर 1 से, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे 16 की पावर 2 से, एंड सो ऑन एंड सो फॉर, यहां पर जो नंबर होगा उसको करेंगे 16 की पावर माइनस 1 से, यहां जो नंबर होगा 16 की पावर माइनस 2 से, ऐसे करते चले जाएंगे 16 की पावर माइनस 3 एंड सो ऑन एंड सो फॉर। तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये जैसे 1e है, तो e को लेंगे e इंटू 16 की पावर 0 और 1 इंटू 16 की पावर 1, तो ये e क्या होता है, 14 होता है ना, e मतलब 14, हेक्साडेसिमल में e मतलब होता है 14, 14 इंटू 16 की पावर 0 और ये कितना है 16 की पावर 1 इंटू 1 और डॉट के दाएं हाथ पे क्या है 8 इंटू 16 की पावर माइनस 1 और c इंटू 16 की पावर माइनस 2, तो 8 इंटू 16 की पावर माइनस 2, c क्या होता है 12, 12 इंटू 16 की पावर माइनस 2, ए से लेकर ए 10 से शुरू होता है, ऐसे अब तक जाता है 15 तक इस तरीके से, तो इसलिए हमने सीधा हमने सी की जगह 12 लिया, ई की जगह हमने 14 लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए और जोड़ दीजिए, ये आपका 16 आ जाएगा, ये आपका क्योंकि 1 हो जाएगा 14, 8 बाय 16 इज हाफ, और ये करेंगे 16 बाय 12 बाय 256 आपका आएगा 0.04688, इसको जोड़ दीजिए, ये आपका डेसिमल इक्विवेलेंट आ गया। ऐसे अब आपको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल करना है, अब ये कैसे करेंगे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल का मतलब होता है कि आपके पास ऐसे बाइनरी बेस है, इसको आपको 16 बेस में चेंज करना है। अब हम जानते हैं हेक्साडेसिमल नंबर में 0 से 9 तक डिजिट होते हैं, 9 के बाद क्योंकि 10 होता है तो 10 को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया, एफ तक जाते हैं। अगर आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल नंबर में, तो ये बहुत ही आसान है, क्यों, आपके पास जो बाइनरी नंबर होंगे मान लीजिए इस तरीके से, तो आप बनाइए 4 4 का ग्रुप, किसका बनाएंगे 4 4 का ग्रुप, आप यहां राइट मोस्ट से शुरू करेंगे, ऐसे अगर मान लीजिए यहां 3 आ रहा है तो आप यहां पर 0 इंसर्ट कर दीजिए, है ना, क्योंकि यहां कितने, ये 4 हो गए, यहां पर 3 ही आ रहे हैं, एक नहीं है, तो ये 4 का ग्रुप कर दीजिए। ये जो हेक्साडेसिमल आपका इक्विवेलेंट है हर ग्रुप का, ये आप लिख दीजिए, ये आपका बाइनरी टू हेक्साडेसिमल होगा। एग्जांपल देखेंगे तब आपको और समझ में आएगा, हमको करना है 1000101 को कन्वर्ट, किसमें, ये बाइनरी है, इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं 1000101, यहां से शुरू करेंगे, इसको लेंगे और 4 का कॉम्बिनेशन बना लेंगे, फिर हम यहां से शुरू करेंगे 4 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, क्योंकि हमारा 4 का कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है तो हम यहां पर अपने आप 0 इंसर्ट कर देंगे। अब ये जो नंबर है
इसका ये इसका डेसिमल इक्विवेलेंट क्या होता है, यहां पर क्या कहा गया देखिए, अगर जब आप ये ग्रुप कर लेंगे तो इसका आपको डेसिमल इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। कैसे, वी बिगिन विथ राइट मोस्ट, चार करेंगे और उसका डेसिमल हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखना पड़ेगा। तो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट कैसे लिखेंगे देखिए, इसको समझिएगा, ये आपका 1010 है, सीधी सी बात है 0101, ये क्या होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 4, 2 की पावर 3, ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये कितना बढ़ेगा 2 की पावर 0 into 1 is 1, ये 2 की पावर 2 into that is 4, 1 + 4 कितना होता है 4, राइट। तो आपने क्या किया, इसका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट लिखा। इसी तरीके से 0, यहां आपने 0 जोड़ा ना अपने आप, 0010, तो ये होगा 0010, 0 into 2 की पावर 0, 0 into 2 की पावर 1, 1 into 2 की पावर 2 और 0 into 2 की पावर 3, ये तो 0 हो गए, ये सारे 0 हो गए, इनको हटा दीजिए क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं, सीधा 2 की पावर 2 into 1 यानी कि 4, ये 4 आ गया, ओके। अब इस 4 को यहां लिख दीजिए, ये 5 को यहां लिख दीजिए, बस इसका कॉम्बिनेशन ये हो गया, इसका कॉम्बिनेशन ये हो गया। अगर आपका फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर होता है और वहां पर 4 का ग्रुप बना रहे हैं, तो आप हर जगह इस तरीके से हर एक ग्रुप को उसके करस्पॉन्डिंग हेक्साडेसिमल नंबर से कन्वर्ट करना, जैसे आपने यहां पर किया, राइट। इसको समझते हैं कैसे करेंगे। यहां पर आप क्या कर रहे हैं कि यहां पर भी आपको कॉम्बिनेशन बनाना पड़ रहा है। अब डॉट के हम दाएं हाथ की तरफ देखते हैं, क्योंकि बाएं हाथ हमने देख लिया, बाएं को अभी करेंगे, लेकिन पहले दाएं को देख लें, राइट हैंड साइड को। तो 1010 1010, ये कितना है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, राइट। ये कितना हो गया, ये तो 0 हो गया, ये भी 0, इन सबको हटा दीजिए, ये कितना होगा 2, और ये आपका क्या था 1, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 होता है 8, 8 into 1 is 8, ये 8 into 1 है, तो 8, तो 8 और 2 बच हमारे पास आए, 8 + 2 कितना होता है 10, लेकिन हमको डेसिमल में नहीं लिखना है, इसको हेक्साडेसिमल में लिखना है। हेक्साडेसिमल में 10 क्या रिप्रेजेंट होता है, ए से रिप्रेजेंट होता है, तो हम यहाँ ए लिखेंगे। ये तो आप कर ही चुके, इसको मैं दोबारा बता देता हूँ, 1 1 1 0 0। अब मैं लेफ्ट जो डॉट है उसके लेफ्ट हैंड साइड में ले जा रहा हूँ आपको, यहाँ पर क्या करेंगे, इसे कॉम्बिनेशन बनाएंगे, एक ये हो गया, अब ये 1 है, यहाँ तो कॉम्बिनेशन बन नहीं पा रहे, तो अपने आप 3 0 हमको इंसर्ट करने पड़ेंगे, ये कॉम्बिनेशन हो गया। अब ये क्या है 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये तो हटाई दीजिए, ये 2 की पावर 2 into 1 कितना हुआ 4, 2 की पावर 3 into 1 कितना होगा 8, 8 और 4 कितना होता है 12, और 12 हेक्साडेसिमल में क्या लिखते हैं हम, सी, तो इस जगह लिखेंगे सी। यहाँ पर क्या होगा, ये 2 की पावर 0, बाकी तो खैर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सब 0 हो ही जाएंगे, ये 2 की पावर 0 into 1, 2 की पावर 0 होता है 1, 1 into 1 is 1, यहाँ पर 1 लिख दे, तो ये इसकी जगह आएगा अब डॉट के बाद ए, यहाँ पर सी, यहाँ पर 1, ये आपका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट हो गया आपके बाइनरी का। अब आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, तो आप जो भी डिजिट होगा हेक्साडेसिमल नंबर में उसको उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में, जैसा भी किया हमने, क्या किया पहले बाइनरी में करके कंबाइन कर दिया, तो हम क्या करेंगे यहां पर हेक्साडेसिमल नंबर में जो बाइनरी इक्विवेलेंट है हर एक नंबर का बाइनरी इक्विवेलेंट लिखेंगे और उनको 4 4 बिट में लिखेंगे। किस बिट में, 4 4 बिट में, 4 बिट का मतलब 2 की घात जब 4 आती है तभी आपका वो नंबर बनता है जिसको हम यहां लिखना चाहते हैं। अब देखिए इसको समझिए कि हर एक 4 बिट नंबर को हम कंबाइन करेंगे और रिजल्टिंग आंसर भी लिखेंगे। इसका मैं एग्जांपल समझाता हूं आपको, एग्जांपल से बहुत क्लियर होगा। आपके पास ये नंबर है 10AF, यहां पर 10 तो कुछ नहीं होता क्योंकि बाइनरी ये हेक्साडेसिमल में 10 कुछ होता ही नहीं है, 10 का मतलब ही ए होता है। इसका मतलब ये है 1 अलग है, 0 अलग है, ए अलग है, एफ अलग है। अब इन सबको अलग अलग लिखेंगे, एफ मतलब क्या होता है 1111, ए मतलब होता है 0 1010, 0 क्या होता है 0000 और 1 होता है 0001। इन सब का हमने बाइनरी लिखा है यहां पर। एफ मतलब क्या होता है मैं एक समझा देता हूं आपको। जैसे एफ क्या होता है, एफ मतलब होता है आपका 15, तो 15 2 से डिवाइड करिए 2, 2 7 जा 14 बचा 1, 2 3 जा 6 बचा 1, 2 1 जा 2 बचा 1, 1111 यही लिखा है हमने यहां पर। ए का भी बता देता हूं एक बार, ए मतलब होता है आपका 10, तो 2 5 जा 10 बचा 0, 2 2 जा 4 बचा 1, 2 1 जा 2 बचा 0, 1010 ऐसे लेते हैं, 1010।
तो हमने क्या किया, ये जीरो है इसको चार बार जीरो कर देंगे, वन है जीरो 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 वन, तो वन 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 को यहां, फिर इसको यहां, देखिए ये है, ये वाला पार्ट ये है, ये वाला पार्ट ये है और ये वाला पार्ट ये है, ऐसे लिखते हैं इसको। ऐसे ही आपको हेक्साडेसिमल मिला है ए टू एफ, तो इसको बाइनरी इक्विवेलेंट में कन्वर्ट करना है, तो ए अलग लीजिए, टू अलग लीजिए, एफ अलग लीजिए। हम जानते हैं कि एफ जो अगर जो 15 है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट अभी अभी हमने निकाला 1111, टू तो खैर टू का सीधा हम जानते हैं कि टू वन जा टू, टू वन जा टू जीरो, तो वन जीरो, लेकिन हमको चार इसमें डिजिट देने पड़ेंगे, तो जीरो जीरो हम अपने आप जोड़ देंगे, तो जीरो जीरो वन जीरो। ए क्या होता है, दस, दस अभी भी निकाला हमने, क्या आया था 1010, तो ये जो है 1111 को यहाँ लिखेंगे, ये आपको दिख रहा है, 0010 यहाँ लिखेंगे, 1010 यहाँ लिखेंगे, ये आपका ए टू एफ का बाइनरी इक्विवेलेंट हो गया। अब बाइनरी टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी को आपको ऑक्टल में चेंज करना है, ऑक्टल को आपको बाइनरी में चेंज करना है। तो बाइनरी टू ऑक्टल करने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्टल पावर जो होगा 2^3, इसी तरीके से आपका हेक्साडेसिमल 2^4 है ना, तो ऑक्टल सिस्टम ये पावर होता है 2^3। तो अब हम तीन तीन के ग्रुप बनाएंगे, अगर हेक्साडेसिमल में करना होता तो हम चार चार के बना रहे थे, हमको चार के बनाने होते, क्योंकि यहां पर 2^3 है, तो हम तीन तीन के कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तीन के ग्रुप बनाएंगे, ताकि ऑक्टल मिल सके। बिल्कुल स्टेप उसी तरीके से होते हैं जैसे बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन में है, यहां पर हम ऑक्टल बेस से कन्वर्ट करें, मैं इसको समझाता हूं। तो ऑक्टल को अगर बाइनरी में चेंज करना है तो हर एक ऑक्टल नंबर को इसके तीन बिट के फॉर्म में करना होगा। कैसे, आपके जब पास जैसे 742 ये ऑक्टल में है, 8 ऑक्टल में हमेशा नंबर जो होते हैं 0 से लेकर 7 तक होते हैं, तो 742। अब जरा इस 2 को लीजिए, 2 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है, 2 2 1 2 0 1 0, लेकिन हमको ये तीन में लिखना है, तो यहां पर 0 जोड़ देंगे, तो 0 1 0 क्या हो गया, 2 का फॉर्म। अब 4 है, 4 को लीजिए, 2 2 4 बता 0, 2 1 2 0, तो यहां ऐसे लिखते हैं इसको, तो 1 0 0, ये तीन ही है, तीन ही हमें लेने थे, तो 1 0 0। 7 पे आइए, 7 क्या होएगा, 2 2 4 2 3 6 2 3 6, तो बचा 1, रिमाइंडर लिख रहे हैं यहां पर, 2 1 2 बचा 1, तो ये कितना होगा, 1 1 1, और ये तीन ही है, 1 1 1 तीन ही है, तो 1 1 1, तो 2 की जगह लिखेंगे 0 1 0, ये हमने 0 1 0 लिख दिया, 4 की जगह 1 0 0 और 7 की जगह 1 1। इस तरीके से ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी इक्विवेलेंट में लिख सकते हैं। अब हेक्साडेसिमल को आपको ऑक्टल में चेंज करना है और ऑक्टल को आपको हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, तो अगर हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में करना होगा तो हम हर एक डिजिट को हेक्साडेसिमल नंबर का है उसको उसकी बाइनरी इक्विवेलेंट में चेंज करेंगे और उसको लिख देंगे चार चार बिट में। फिर हम क्या करेंगे, तीन तीन बिट में कंबाइन करेंगे उसको और फिर उसको कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। मैं इसको समझाता हूं कैसे। जैसे आपके पास हेक्साडेसिमल नंबर है A42, A अलग लिखिए, 4 अलग लिखिए, 2 अलग लिखिए। 2 का मतलब क्या होता है, 2 1 2 और यहां पर बचा 0, तो ये है 1 0, लेकिन इसको लिखना है चार चार के फॉर्म में, तो इसको 0 0 करना पड़ेगा आपको, तो यहां पर 0 0 1 0 लिख देंगे, राइट। इसी तरीके से 4 पे आइए, 4 क्या बनेगा, 2 2 4 बचा 0, 2 1 2 बचा 0, तो ये इस तरीके से लिखेंगे तो कैसे बनेगा, 1 0 0, लेकिन इसको चार के फॉर्म में लिखना है, तो 0 जोड़ के यहां लिख दीजिए। ऐसी A है, A क्या होता है आपका, A is 10, हेक्साडेसिमल में A 10 होता है, A से लेकर F तक अगर जाएंगे तो हेक्साडेसिमल में आप 0 से 9 तक तो आप आ जाएंगे, 10 पे आप A से शुरू करेंगे, F होता है 15, तो आप A से शुरू करेंगे, A है आपका क्या, 10, तो 2 5 10 बचा 0, 2 2 4 बचा 1, 2 1 2 बचा 0, तो 1 0 1 0 1 0 1 0। अब इसमें कोई जोड़ने घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि चार चार के फॉर्म में यहां लिख दिया गया, तो हमने 2 को ये लिख दिया, 4 को ये लिख दिया, A को ये लिख दिया, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब ये इसको कन्वर्ट करना है हमको ऑक्टल में, तो इसका ही हम तीन तीन भाग लेंगे। अब 0 1 0 एक बार ले लेंगे, ये 0 0 0 एक बार ले लेंगे, ये 0 1 0 एक बार ले लेंगे, और ये 0 0 1 एक बार ले लेंगे, सॉरी 0 0 1 एक बार ले लेंगे, और ये 1 0 1 एक बार ले लेंगे, तो यहाँ A कॉम्बिनेशन ये तीन का बन गया, फिर ये 0 0 हमारा इसका बन गया, फिर 0 1 0 हमारा इसका बन गया, ये 0 0 0 1 यहाँ का बन गया और 1 0 1 यहाँ का बन गया, ये हो गया आपका। अब ये क्या होता है, ये 2 है, यहाँ लिखेंगे ये 0 0 0 क्या है, 0 है, ये 0 0 1 क्या है, 1 है, और 1 0 1 5 है। अब ये कैसे 5 आया, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो मैं ये 1 0 1 करके बता देता हूँ।
101 को इस तरीके से करते हैं, ये 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करिए, 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करिए और 2 की पावर 2 से करिए, ये तो चला जाएगा। 2 की पावर 0 1 होता है, 1 इंटू 1 इज 1, 2 की पावर 2 होता है 4, 4 इंटू 1 कितना होता है 4, 1 प्लस 4 को जोड़िए 5 आएगा, ऐसे आता है। अगर आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टा को हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, तो हर एक नंबर को कन्वर्ट कर दीजिए जो भी डिजिट ऑक्टल नंबर है उसके बाइनरी इक्विवेलेंट में और उनको तीन तीन बिट में लिख दीजिए। फिर अब उसका चार चार का कॉम्बिनेशन ले लीजिए जो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से करना है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास एक एग्जांपल है, आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल नंबर को 762 को हेक्साडेसिमल नंबर, तो 7 लीजिए, 6 लीजिए, 2 लीजिए। 2 का हम मैं 2 का 010 लिख रहा हूँ, 6 का मैं आपको करके दिखाता हूँ। 6 ये इसको ऐसे कैसे लिखते हैं ये बता रहा हूँ। 6 कैसे लिखेंगे, 2 3 जा 6 0, 2 1 जा 2 बचा 1, 1 10 लिखेंगे उल्टा लिखते हैं 110, तो 110 इस तरीके से आता है। 7 का भी बता देता हूँ, 7 2 3 जा 6 1, 2 1 जा 2 बचा 2, 1 जा 2 2 3 जा 6 बचा 1, 2 1 जा 2 बचा 1, राइट। तो 7 कितना होता है आपका, व्हाट विल बी 7, अगर आप इसको चाहें तो इसको करके भी दे सकते हैं, कैसे 111, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई करिए, 2 की पावर 0 इंटू 1 इज 1, 2 की पावर 2 इज 2, 2 की पावर 2 की पावर 1 इज 2, 2 की पावर 2 इज 4, 1 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 इज 7। तो ये जो 101 है इसको आप जरा 111 कर दीजिए। अच्छा ये हो गया आपका। अब देखिए ये चार को लीजिए, यहां 0010 लिख दीजिए। अब ये चार को लीजिए, ये 1111 आएगा, ठीक। और यहां पर जो 1 है इसके साथ 000 कर दीजिए, ये आपका एक लास्ट वाला कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अब ये यहां तक तो हो गया। अब इस 0010 का मतलब होता है 2, 0111 का मतलब होता है 7 और 1000 का मतलब होता है 1, राइट। अब ये 0111 का मतलब 7 कितना होता है ये बता देता हूं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं 2 कैसे लिख रहा हूं, ये 7 कैसे लिख रहा हूं। तो 0111 है, इसको 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करिए, इसको 2 की पावर 1 से, इसको 2 की पावर 2 से, इसको 2 की पावर 3 से, ये कितना होगा 2 की पावर 0 1, 1 into 1 is 1, 2 की पावर 1 is 1, 2 into 1 is 2, 2 की पावर 4, 2 is 4, 4 into 1 is 4, ये तो खर्च चला जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 plus 2 1 plus 1 is 7, ऐसे इसको 1 लिख दीजिए, तो 172 आपका 16 में चेंज हो गया। किस तरीके से हम 8 की 8 बेस को 16 में चेंज करते हैं। तो अगर आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करना हो, बाइनरी से डेसिमल कन्वर्ट करना हो, जैसे भी आपको कन्वर्ट करना हो, यहाँ पर आपके पास डेसिमल है 0, बाइनरी है 0, ऑक्टल में 0, हेक्साडेसिमल 0, ये सारे कन्वर्जन इस तरीके से आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास टेबल है, लेकिन अगर आपको जो मैंने तरीके बताया उस तरीके से करेंगे तो आपको सोल्यूशन मिलेगा। ये आपके सारे कन्वर्जन इस तरीके से होंगे, क्योंकि हम कोई भी नंबर अगर आप लें जो 2 है उसका बाइनरी इक्विवेलेंट 10 होता है, ऑक्टल 2 होता है। इसी तरीके से अगर मैं एग्जांपल लूँ, जैसे हम 15 को लेते हैं, हम डायरेक्ट 111 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जैसे हम इस जगह पे जाएंगे ये 17 हो जाएगा, यहाँ पर जाएंगे हम F लिखेंगे इसको, ये नंबर रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमने देखा किस तरीके से हम एक बेस से या रेडिक्स से दूसरे में चेंज करते हैं। आगे हम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे नंबर का, तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।